केरला टू चेन्नई एक फ्लाइट था, फिर चेन्नई टू दिल्ली, फिर दिल्ली टू जर्मनी, एंड फिर जर्मनी से फ्रैंकफर्ट, सॉरी जर्मनी से सब सर्बिया। एक दूसरे काउंटर पर लेकर जा रहे हैं, एंड हम आपको बोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ट्रांसिट वीजा नहीं है. और मैं उनको बोले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं जा सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपना दिखा रहे हैं, आप नहीं जा सकते. और सेफो सेट मैंने इमिरेट से पूछा कि मुझे ट्रांसिट वीजा चाहिए कि नहीं दुबई का, बिकॉज मुझे बहुत लोगों ने बोला कि हेलो ट्रांसिट फ्रेंड्स, वीजा नहीं वेलकम बैक चाहिए. टू द चैनल। मैं रोविन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई, अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है ऑन 12th of October, और इसमें क्या हुआ कि श्रद्धा है मेरे साथ। इन्होंने डायरेक्टली ट्रैवल करना था फ्रॉम इंडिया टू सर्बिया वाया लुफ्तानसा एयरवेज। तो उन्होंने इनको बोर्ड नहीं करने दिया। तो ये 12th अक्टूबर को ये हुआ है। तो ये सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपने साथ। और तो आपको, तो जो भी ट्रैवल कर रहा है डायरेक्टली इंडिया से जो ट्रैवल कर रहा है, तो उसको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए ताकि उसको समझ में आ जाएगा कि क्या इश्यूज अभी चल रहे हैं डायरेक्टली इंडिया से जाने में। तो श्रद्धा, वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन लाइक व्हाट हैड हैपेंड ऑन 12th ऑफ अक्टूबर। हाँ जी, तो आई हैड बुक्ड अ फ्लाइट फ्रॉम केरला, दैट इज ट्रिवेंड्रम, वहां से लेकर आई हैड बुक्ड अ फ्लाइट टू सर्बिया. तो उसके लिए पहले केरला से श्रद्धा चेन्नई, फिर प्लीज चेन्नई हिंदी में बात कर दें ताकि सबके डाउट थोड़े क्लियर हो जाए ना, हाँ हर तरह की ठीक है ठीक ऑडियंस है है. फिर इसीलिए। तो मैंने हाँ जी, तो मैंने केरला से फ्लाइट बुक की थी टू सर्बिया, एंड वहां पे केरला टू चेन्नई एक फ्लाइट था, फिर चेन्नई टू दिल्ली, फिर दिल्ली टू जर्मनी, एंड फिर जर्मनी से फ्रैंकफर्ट, सॉरी जर्मनी से सर्बिया. सर्बिया। तो प्रॉब्लम ये हुई, हाँ प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत से साइट्स में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप सेम एयरपोर्ट पे हो, अगर आपका सेम टर्मिनल है, तो आपको फ्रैंकफर्ट से ट्रांसिट करने के टाइम पे आपको वीजा की जरूरत नहीं है, ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं है. तो यही बात मुझे मेरे लीडर ने बताई थी जो अभी सर्बिया में है, जो इजिप्ट का है. तो मैं उनसे मिलने जा रही थी वहां पे, मेरी दूसरी टीम से मिलने जा रही थी सर्बिया में. तो सब ठीक रहा, मैं चेन्नई तक गई, सब ठीक था. चेन्नई से फिर मैं दिल्ली में गई, सब ठीक था. दिल्ली में फिर मैं लुफ्तांसा से जाने वाली थी जर्मनी, एंड फिर जर्मनी से सर्बिया. तो वहां पे चेक इन काउंटर पे ही उन्होंने बोला, मेरे को दिखाया, उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई और पासपोर्ट है कि नहीं, आपके पास कोई और यूएस वीजा है कि नहीं. तो मैंने बोला नहीं है, एंड ट्रांसिट वीजा भी नहीं है, ना ही मेरे पास सर्बिया का वीजा है, क्योंकि सर्बिया के लिए जरूरत नहीं है वीजा की. बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे पास पर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स थे जाने के आने के, मेरे पास मेरे बैंक स्टेटमेंट्स ये जो थे, भी मेरे मैंने पास, आपको बताए थे कि सारी ये चीज़ आपको चाहिए, ये तो वो हाँ सारी वो आपके पास। बताया था, मैंने सब कुछ रेडी रखा था सिवाय ट्रांसिट वीजा के, बिकॉज लिखा हुआ था उसमें कि कोई कोई साइट पर लिखे थे कि ट्रांसिट वीजा की जरूरत नहीं है करके. तो वहां पे तो उन्होंने थोड़ा देखा मेरा पूरा, उन्होंने ठीक है बोला. उन्होंने फिर लगेज ऑन बोर्ड भी कर दिया था, इन द सेंस की लगेज जो चेकिंग के टाइम पे जो देते हैं अच्छा, तो वो वो चला गया उन्होंने था। मुझे चला नहीं गया था, मैंने वेइंग मशीन पे रख दिया था मैंने. ओके ओके ओके। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने कॉल किया, उन्होंने किसी को कॉल किया, उन्होंने बोला बोला कि श्रद्धा आपको हम एक दूसरे काउंटर पर लेकर जा रहे हैं, एंड हम आपको बोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ट्रांसिट वीजा नहीं है. तो मैंने उनको बोला कि ट्रांसिट वीजा की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा सेम टर्मिनल है, सेम सब कुछ है, और जो ऑलरेडी जा चुके हैं, जो अभी सर्बिया से गए थे मेरे लीडर, वो भी फ्रैंकफर्ट गया ही गए थे, एंड उनके पास भी मतलब ट्रांसिट वीजा नहीं था, और दोस्त का स्टॉप. तो उन्होंने बोला ठीक है, पर आप उनसे के बात कर लीजिए, हम आपको नहीं बोर्ड कर सकते, हम आपको समझाएंगे. तो मैं वहां पे गई, लुफ्तांसा वालों के पास गई. आई वुडंट से कि वो बहुत रूड थे, पर हाँ मैं ये बोलूंगी कि वो मतलब कि वो बहुत जल्दबाजी में थे कि नहीं, आपको नहीं जैसा लेके जा सकते, मतलब आप मेरी केयरलेस बात टाइप थे सुनिए कि भाई ठीक है, आपका. आप जाओ ना जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टाइप, राइट? नहीं वो लोग नहीं बोला, कैसे थे कि उन्हें स्ट्रिक्ट ही बोलते कि हम नहीं, आप नहीं जा सकते. और मैं उनको बोला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं जा सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपना दिखा रहे हैं, आप नहीं जा सकते. तो फिर मैंने उनसे पूछा कि तो आप मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट प्लान क्या है, क्या कर सकती हूँ, क्या मुझे अभी यहाँ से कोई ट्रांसिट वीजा मिल सकता है, कोई नेक्स्ट फ्लाइट. तो उन्होंने बोला कि आप, हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते आपको, आपको किसी कोई कंट्री जाना पड़ेगा जहां पे ट्रांसिट वीजा की जरूरत नहीं है, बट कुछ भी हो हम आपको अभी बोर्ड नहीं कर सकते, हम आपको एग्जिट करवा देंगे. तो ये एक बहुत नया स्कीम है जो मुझे अभी पता चला एक्सिट का, कि अगर आपको फिर एयरपोर्ट से बाहर जाना है, तो इन दैट केस आपको जो जिस फ्लाइट ने डिनाई किया है, वो ही उसका एक स्टाफ आपको बाहर लेके आ सकता है, आप अकेले एक्सिट नहीं कर सकते. और वो दिल्ली एयरपोर्ट में, वो इवन इफ यू वांट, अगर आप खुद चाहते हो आपको जाना है, वो आपको एक्सिट नहीं करवा करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। आपको एक स्टाफ को लेकर जाना पड़ेगा. तो यही था तो पूरा. कितना टाइम वेस्ट हो गया वहाँ पे इसी चीज़ के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पे?
तो मेरा वहां पे, हाँ तो मैं वहां पे पहुंची लाइक एक तो उस काउंटर देखने में बहुत टाइम लग गया। तो मेरा 12:50 को था, सॉरी 2:50 को था फ्लाइट सुबह के, और मैं दिल्ली पहुंची थी अराउंड 12 o'clock, एंड फिर 12:30 तक मैं काउंटर, 12:30 और 45 तक काउंटर पहुंच गई थी। एंड फिर पूरा प्रोसेस लेने के लिए मैक्स टू मैक्स आधा मिनट, आधा घंटा लगा। एंड हाँ फिर यही हुआ। उसके बाद फिर ने बोला कि आपको एक्सिट करा देते हैं, तो मैंने बोला कि मुझे अभी एक्सिट नहीं करना है, क्योंकि मुझे अभी देखना है कि मैं कोई और फ्लाइट ले सकती हूँ कि नहीं। बिकॉज उस टाइम मुझे पता नहीं था कि एक्सिट का भी एक ऐसा है कि अगर वो चले गए तो फिर मैं, तो फिर मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा काउंटर से बिल्कुल बाहर, बिल्कुल एयरपोर्ट से बाहर। हाँ जी, तो उसके बाद फिर मैं गई, उन्होंने, मैंने उनसे बोला जिन्होंने मेरी टिकट बुक की थी, मैंने उनसे बोला कि ऐसा बोल रहे, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपके नया दूसरा टिकट देखता हूँ बाया दुबई। तो फिर उन्हें एमिरेट से दुबई कर देखा। तो मैंने जस्ट फॉर सेफर सेट मैंने एमिरेट से पूछा कि मुझे ट्रांसिट वीजा चाहिए कि नहीं दुबई का, बिकॉज मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ट्रांसिट वीजा नहीं चाहिए और कैन स्टफ। और मुझे बहुत, इस टाइम मुझे बहुत सेफ रहना था, इवन तो मेरा पैसा नहीं जा रहा पर बिल्कुल कंपनी का है, तो मुझे बहुत सेफ रहना था। तो फिर मैंने किसे पूछा, उन्होंने बोला कि आपको नहीं चाहिए, पर अगर आपका लेओवर, एमिरेट्स के हेड ने बोला कि अगर आपका लेओवर दुबई में 10 आवर्स से ज्यादा है तो आपको ट्रांसिट वीजा की जरूरत है। और ये भी मैं पहली बार ही सुन रही, पर उन्होंने ये बोला तो मुझे कोई मतलब कि मुझे श्योरिटी चाहिए थी। तो मेरे बगैर कुछ भी हो, अगर 2 घंटे का भी हो, पर आई वुड रिकमेंड कि अगर कोई बोलता भी कि ट्रांसिट वीजा की जरूरत नहीं है तो भी आप ट्रांसिट वीजा लेकर ही जाओ ओके तो वापस आए, सबसे ये अच्छा यही एमिरेट्स है। वालों ने आपको बोला। हाँ जी, ये एमिरेट्स वालों ने मुझे बोला कि अगर 10 आवर्स से ज्यादा है तो आपको एक वीजा चाहिए, ट्रांसिट वीजा चाहिए। ओके 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 तो फिर उसके बाद फिर आपने क्या किया, फिर आप बाहर आ गए एयरपोर्ट से। नहीं तो उसके बाद फिर मैंने क्या, उसके फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको कॉल, मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि मैं चेक करता हूँ और करना स्टाफ चेक किया उन्होंने, उन्होंने मुझे बोला, फिर उस वक्त मुझे लिखा था कि 16 आवर्स का मेरा लेओवर है, तो उन्होंने बोला कि आपको फिर मुश्किल हो गया, आपको ट्रांसफर वीजा चाहिए करके। तो जब तक ये बात होगी तब तक, मतलब मैं जब तक वेट करती पूरा ये सब चीजों के लिए, एटलीस्ट 2-3 घंटे हो गए थे पूरा ये बात बात करके वेट करके बहुत। तो फिर तब तक वो लुफ्तांसा वाला इंसान चला गया था, तो अब मेरे लिए और मुश्किल हो गया था एयरपोर्ट से निकलना। तो फिर मैं इंफॉर्मेशन सेंटर गई, मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे बोला कि आप कुछ करिए मुझे निकलना है, बिकॉज मैं क्या करूंगी, शायद से लुफ्तांसा ज्यादातर फ्लाइट रात को ही होती है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं उनके कोई पेरेंट जो एरोप्लेन है, एयर फ्लाइट है, उनसे मैं बात करता हूँ। तो फिर उन्होंने किसी को बुलाया, फिर वो लोग आए आफ्टर लाइक 15-20 मिनट्स, एंड उसके बाद उन्होंने मेरा एक्सिट करा और फिर मैं चली गई। अच्छा एक चीज़ मुझे और बताइए, आपने लुफ्तांसा ने बोला कि हम नहीं बोर्ड करने देंगे, तो आपने उनको ये नहीं बोला कि अगर मान लो मुझे रिफंड लेना है तो क्या पॉसिबल है, इस तरीके की बात नहीं करी आपने। मैंने उनसे, हाँ, मैंने एक्चुअली मैंने रिफंड की बात नहीं की, बिकॉज मैंने नहीं कराया था, बिकॉज जो टिकट कराया था मेरी कंपनी ने कराया था, तो मैंने हाँ कंपनी से बात, ठीक है और उस टाइम मैं उस स्टेटस में थी नहीं कि मैं रिफंड की बात सोचूं, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा पैसा ज्यादा था नहीं है, तो मैं उस स्टेटस में थी नहीं। मेरा ज्यादातर मोटिव यही था कि अब आगे क्या होगा, बिकॉज दिल्ली में मैं जानती हूँ लोगों को, पर स्टिल थोड़ा रहता है कि अब बिल्कुल आगे मतलब बिल्कुल रात के बिल्कुल 2 बजे हैं, क्या बिल्कुल। करना है ना। तो तो यही था। ओवरऑल अपनी पहली बात हुई है काफ़ी सारी इस चीज़ के रिगार्डिंग, हाँ और लाइक मैंने अब आपको बताया भी था थोड़ा सा कि हाँ यार थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है देखो, राइट। आपने बताया था, आई रियली वांट टू थैंक यू, बिकॉज आपने बहुत, मतलब कि आपने ऐसा किया कि मैं लाइक यू नो कि मैं बहुत सेफ रहूँ, आपने बहुत हेल्प की, थैंक यू सो मच। और आपने मुझे बताया भी था, एक्चुअली मैंने खुद बताया था उनको कि और जब मैंने वो एक मेरे, दिन पहले आपको हिंट दे भी दिया था, क्योंकि मेरी किसी से बात हुई थी, उनका मेरे पास फोन आया था हाँ और उनको भी बोर्ड नहीं करने दिया, उनकी फ्लाइट थी एयर फ्रांस, तो वो मैं सिचुएशन भी फ्रांस, मैंने आपको डिस्कस कर दी, बट यू वर ट्रैवलिंग एट दैट टाइम तो आप भी कुछ नहीं कर सकते थे हाँ क्योंकि फ्लाइट्स वगैरह सब बुक थी। लेक कर ही लेती हूँ। हाँ तो पर मुझे लग रहा था मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मैंने थोड़े साइट्स पढ़े थे जहाँ पे लिखा था कि कोई ट्रांसिट वीजा चाहिए, पर ऐसे बहुत साइट्स पढ़े थे जहाँ पे लिखा था ट्रांसिट वीजा आपको नहीं चाहिए। और फिर मेरे हेड ने भी बोला था कि नहीं चाहिए, सब बोल रहे थे कि नहीं पक्का ट्रांसिट वीजा नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे लगा अच्छा ठीक है आप ऐसा बोल रहे तो नहीं चाहिए होगा, बिकॉज मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं सिर्फ इंटरनेशनल जा चुकी हूँ, उससे पहले बिल्कुल मैं कहीं और बिल्कुल नहीं गई हूँ, बिल्कुल। तो इसलिए पर ठीक है अब हो गया तो साइंस। श्रद्धा आप एक चीज़ बताइए कि जो भी सोच रहा है कि हम डायरेक्ट इंडिया से ट्रैवल करें या फिर लुफ्तांसा ही ले लेते हैं, लुफ्तांसा से ट्रैवल करें, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे अपनी साइड से। हाँ ट्रांसिट वीजा की जरूरत नहीं है, एक चीज़ आप और, तो एक भी चीज़ बस और, सेफ प्लीज़ रहे। प्लीज़ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपने एयरलाइन से बात करी, राइट, ये भी डिस्कस करने वाला मैटर है, उन्होंने आपको बोला कि कोई दिक्कत नहीं है आप जाओ। नहीं, मैं बताती हूँ। मैंने मतलब मैंने हाँ एक बार ये क्लियर जस्ट फॉर करो क्लियरिटी, मैंने कि बहुत ऐसे लोगों भी। को, हाँ बहुत लोगों को मैंने टेक्स्ट किया था, इन द सेंस कि मैंने मेल भेजा था, बट फिर वो लोग मतलब एक तो 2 दिन के बाद रिप्लाई करते थे और बोलते कि आप इस जर्मन एम्बेसी से पूछो, मतलब किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि वीजा चाहिए कि नहीं चाहिए।
ये बोला कि आप इनसे पूछो उनसे पूछो, वो बहुत लेट में बोला उन्होंने, और मेरी यही फ्लाइट भी मतलब मैक्स टू मैक्स 4 दिन में ही पूरी हो गई थी, बुक एंड ऑल सब कुछ। तो मैं हाँ यही तो इसलिए कंफर्म करना चाहता हूँ, जैसे आपने उनको मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश करी बाय मेल और बाय कॉल कैसे भी व्हाटएवर, तो उनका कोई मतलब सेट मतलब कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आया कि ये आपको करना है या फिर ये आपको वीज़ा चाहिए। वीजा के नहीं, हाँ वीजा के बारे में उन्होंने कुछ मुझे नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि आप इनको कांटेक्ट करो, आप एम्बेसी को कांटेक्ट करो, एंड एम्बेसी जर्मन एम्बेसी आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस ऑर नॉट, बट देन जर्मन एम्बेसी से मैंने बहुत बार कॉल करने की कोशिश की पर किसी ने भी नहीं उठाया, किसी ने भी नहीं तो उठाया। इसलिए फॉर अ सेफर साइड आप वीजा लो कुछ भी हो। मैं तो कहती हूँ अगर सर्बिया का भी है तो सर्बिया का भी वीजा ले लो, इट्स नॉट, मुझे खैर जल्दी काम भी हो वो जाना था वीजा इसलिए फ्री मैंने है, इंडियंस के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं। नहीं है। तो थैंक यू सो मच श्रद्धा, मेरे हिसाब से आपने जो भी आपके साथ हुआ आपने बता दिया, और मेरे हिसाब से काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी इसे भी। भाई जो भी ट्रैवल कर मैं रहा है, आपको, यस मुझे बस एक और चीज बतानी है कि मुझे उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अगर आपके पास कोई और दूसरा पासपोर्ट है कि नहीं, बिकॉज दे वर आस्किंग कि अगर आपके पास यूएस का कोई वीजा है या फिर जो दूसरे सैनिगन भी जो सैनिगन वीजा, शेनेगन वीजा यस है, हाँ इफ यू हैव दैट वीजा तो आप शायद से आप बोर्ड कर सकते हो, बिकॉज दे वर लाइक कि अगर आपके पास ऐसा वीजा है शेनेगन वीजा है जो मैंने अप्लाई किया है स्टूडेंट के लिए, तो अगर वो वीजा है आपके पास तो इट इज गुड, वेल एंड गुड, आपको बोर्ड करने देंगे, होता है होता है। वरना फिर उसमें भी क्या सिचुएशन है सरदा, जो मैंने आपको एक दिन पहले टेक्स्ट किया था कि ऐसे ऐसे किसी के साथ हुआ है, उनके पास अच्छा ऑलरेडी ईयू का वीजा था, शेनिगन वीजा था उनके पास, फिर भी नहीं छोड़ा। फिर भी हाँ उनको नहीं बोर्ड करने दिया। तो अनसर्टेनिटी चल रही है भाई, मतलब कंफर्मेशन आपको कहाँ से क्या मिल रही है, एयरलाइन से कुछ मिलती है, इमिग्रेशन से कांटेक्ट करते हो या फिर एम्बेसी से कांटेक्ट करते हो, वहाँ से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इस तरीके का सीन चल रहा है भाई। जो मतलब आप अपनी ट्रिप जब भी प्लान करो तो सोच समझ के 100% जब आप श्योर हो तभी ट्रैवल करो, नहीं तो फिर आपके पैसे बर्बाद होने वाले हैं। राइट श्रद्धा, हाँ श्रद्धा थैंक यू जी सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, आपने इतना टाइम निकाला यार। बाकी होपफुली जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे तो देन यू विल ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। ओके या ओके, हाँ सो थैंक यू सो मच जी श्रद्धा ज्वाइनिंग मी। बाय, बाकी थैंक मिलते हैं यू नेक्स्ट वीडियो में भाई, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।